हाथरस की घटना से नाराज वाल्मीकि समाज ने टीकमगढ़ में मौन जुलूस निकाला और हाथरस कांड के आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। टीकमगढ़ वाल्मीकि समाज ने वाल्मीकि मंदिर से कैंडल मार्च का आयोजन किया, जो जुलूस के रूप में शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों से होता हुआ गांधी चौराहे पर जाकर समाप्त हुआ। इस मौके पर जुलूस के जरिए वाल्मीकि समाज ने हाथरस की विभत्स घटना पर अपना आक्रोश जाहिर किया। समाज सेवी प्रदीप उटमालिया ने कहा, सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए वह तुरंत फांसी का प्रावधान कर ऐसे जानवरों को फांसी पर लटकाने का काम करे, ताकि समाज में लोगों के पास एक मैसेज जाए कि अगर वे गलत काम करेंगे तो उसका दुष्परिणाम मौत है। आज हम लोगों ने जो कैंडल मार्च निकाला है वो कैंडल मार्च नहीं है, वो एक मौन शांति मार्च है, जिसमें टीकमगढ़ वाल्मीकि समाज के युवाओं ने मौन रहकर अपने वाल्मीकि मंदिर से शहर के मुख्य चौराहे गांधी चौराहे पर यहाँ श्रद्धांजलि देने सभी साथी आए हैं। और इसमें जो घटना है, जो हम न्याय की मांग कर रहे हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ देवी की पूजा की जाती है लेकिन नारियों के साथ बलात्कार 24 घंटे में 24 होते हैं। आज गांधी जयंती के अवसर पर और जो हाथरस में हमारी बहन के साथ मनीषा बाजू के साथ जो मार्मिक दुर्घटना जो घटित हुई है उसको लेकर हम लोगों ने सोचा सरकार को कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, कुछ सरकार जागृत नहीं हो रही है, लगातार जुल्म पे जुल्म हो रहा है, जो पूरी इंतहा हो रही है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।